हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, फाइनल एग्जाम आ चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए सो क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो लास्ट दो क्लासेस हैं उन्हें आप जरूर देखना। एक तो सर्कल की क्लास होगी जिसमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हैं, और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन से उन्हें देख लेना। और मैंने आपको यहां पर देखिए क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर इन सिंगल वीडियो की क्लास ले रखी है, ठीक है। सो 3 आवर्स 38 मिनट की क्लास है, हमारी यूट्यूब की पहली क्लास है जो इतनी लंबी है। सो एक बार सभी लोग उसको जरूर देखना। चलिए सो आपको करना क्या है लास्ट टाइम पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आप जो 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज थी ना, जिसमें मैंने आपको 3 लेक्चर्स करवा रखे हैं, उसे जरूर देखना। जो कहाँ मिलेगी आपको, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर मिल जाएगी, मतलब जो मिक्स्ड क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें आपको मिल जाएंगे वो 3 लेक्चर्स, उन्हें आप जरूर देखना। कौन सी, 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, रिविजन करना है किसका, फॉर्मुलेस का, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही आपको करवा दिया है। सो आपको एक बार सभी लोग सारे चैप्टर का जो भी फॉर्मुलेस है उनको रिवाइज जरूर कर लें लास्ट टाइम पर, और उन टॉपिक्स पर वर्क करें जिसमें आप थोड़े से भी वीक हैं, मतलब जिनमें आपको डाउट होता है, जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले आप काम करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए और आपको बता दूँ, आपको देखिए और अच्छे से पढ़ना, सबसे पहले काम और करना, जितने भी वन शॉट वाले जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है जिसमें वन शॉट की क्लासेस ले रखी है, उन्हें जरूर देख लेना आप सभी लोग स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके अंदर भी, और आपको देखिए यहाँ पर केस स्टडीज भी करवा दिए। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए ऐसी ही एक क्लास आपके लिए आज मैं और लेके आ रखा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो यस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये डाउट वाले क्वेश्चन है। देखिए ध्यान सुने, इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको, ठीक है, और आप थोड़ी सी गलतियाँ भी कर सकते हैं इसमें, तो वही क्वेश्चन पॉइंट आउट होते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ इसे आप सभी लोग कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शेयर जरूर करना अपने अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आइए। तो ये क्वेश्चन फाइनली आपको करके जाने हैं एग्जाम में जाने से पहले, ऑलराइट। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, एंड स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लास आपको मिल जाती है या तो 6 PM मिलेगी या फिर 7 PM मिलेगी, ठीक है। तो चलिए और देखिए यहाँ पर अभी पता है जैसी टर्म 2 फिनिश होता है उसके बाद हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए, और अभी हमारा देखिए मैथ्स का एग्जाम के बाद कौन सा है, साइंस का एग्जाम, तो उसकी भी तो क्लास लेनी है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा है, एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं और मुझे लगता है आप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट रहे, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहे, CBSE वही क्वेश्चंस को पॉइंट करेगा जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड दे दिया, फॉर्मूला बेस्ड तो ठीक है लेकिन जिसमें थोड़ा सा दिमाग चले आपका, ठीक है, वही क्वेश्चंस आपको देता है। सो दिमाग चलेगा यहाँ पर आपका, थोड़ा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कुछ कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करा जाए, क्लियर है। तो देखिए ये वैसा ही एक क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको लेके आ रखा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक टावर है, इसमें देखिए क्या लिखा गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान सुनना, 2 पॉइंट्स हैं यहां पर, एक यहां ले लीजिए एक यहां ले लीजिए, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द टावर, ठीक है, टावर से सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ये आपको पता है इसमें लिखा गया है, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये जो दो है ना, ये तो दोनों पॉइंट है, ये क्या है, पहली बात तो ध्यान से देखना, सबसे पहले बात ध्यान से सुनना आप लोग, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है इन दोनों से, तो यहाँ इसका एलिवेशन यहाँ से ये और ये, देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है कि सभी लोग देखना इस तरीके से, क्लियर है, इसको अच्छे से बनाइए। जो आपके यहाँ पर देखिए सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
जी ठीक है, क्या लिखा है, फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, इस टावर के बेस से जो दोनों पॉइंट है वो एक 4 मीटर दूर है और एक 9 मीटर दूर है। सो गलतियां क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए ये तो 4 लिखा, कहीं इसको 9 लिख दिया तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब आपका सॉल्यूशन ही गलत हो गया, आपका आंसर ही गलत हो गया, आपने डायग्राम ही इसका गलत बना दिया। सो इस चीज से बचे, क्लियर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। तो पहला पॉइंट 4 मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर दूर है, कहां से, बेस से। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, क्लियर है। तो चलिए अब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रीज है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री का होता है। सो अपने मन से ले लिए जो आपको मन करता है, मैंने कह दिया 90 है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, क्लियर है। आपको क्या निकालना है, ये एच निकालना है, बहुत आराम से निकलेगा, देखिए। सो यही था डायग्राम इसका, सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिए इसको। सो चलिए, सो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसको ऐसी छोड़ दीजिए, इसको आप पहली क्वेश्चन मान लीजिए। अगली चीज यहां पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी तो एंगल ही है, तो tan 90 माइनस थीटा में h अपॉन पूरा 9 लगेगा, ठीक है, h अपॉन 9 लगेगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, और ये हो गया h बाय 9, क्लियर है। cot थीटा क्या मतलब, 1 अपॉन tan थीटा होता है, लो ये भी हो गया। अब मुझे देखिए यहाँ tan थीटा है, यहाँ पर क्या है, ये है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको tan थीटा में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसको लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू 9 बाय h। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देखो, tan थीटा 9 अपॉन h के बराबर भी है और tan थीटा h अपॉन 4 के बराबर भी है, तो इससे क्या पता लगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लीजिए, लो खत्म, 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देखिए ये है हमारा वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको अब मिलेगा देखने को, प्लीज आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है, देखिए। और जिन पर आप क्या है थोड़ी सी गलती कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में, तो बचना है उससे, मैंने आपको बचा दिया। सो आप इसको तैयार कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, डाउटफुल क्वेश्चन है, जल्दी से आइए। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखना, एक मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द, लिखा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। देखिए यहां से ध्यान सुनना, बहुत जल्दी करेंगे इन क्वेश्चन, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, एक मूविंग बोट को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले ध्यान सुनना, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि बोट क्या कहते हैं, दूर जा रही है या क्या कहते हैं, टावर से दूर जा रही है, टावर के पास आ रही है, पहली बात तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अब मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, दूर जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए पहले यहाँ थी, ठीक है, पहली बात देखिए हमने क्या किया, मूविंग बोट को ऑब्जर्व किया 150 मीटर हाई क्लिफ से, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए, ठीक है। 150 हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। डिप्रेशन जब ऊपर से बंधा तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से, क्लियर है, इसको स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है, ये बना डिप्रेशन, पहले कितना था 60 डिग्री, फाइनली कितना हो गया, जब बोट थोड़ी सी आगे गई, मूविंग अवे कह रहा ना, तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब मैंने आपको एक रूल बताया है आपको, क्या कि जब दो एंगल हो आपके पास तो कौन सा एंगल कहां पर रखा जाए, ठीक है, 90 के क्लोज कौन सा रखना, जो बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के क्लोज 60 डिग्री आएगा, ऐसे अगर 45 डिग्री और 30 डिग्री होगा तो 90 के क्लोज कौन आएगा, 45 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है, ये एक तरीका है आपको, जब आपको नहीं पता लग रहा है एंगल ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे भी, ठीक है। देखिए इन बोर्ड्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये ग्राउंड पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कहां से बन रहा है, टॉप से, हाई क्लिफ टॉप से बन रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगली बारी में ये बना हुआ है 30 डिग्री, तो देखिए ये भी 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ ना, ध्यान से सुनिए, सबसे पहली चीज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स, उसको 2 मिनट लगे। बात यह है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया, यहां से यहां जाने में इसको जो एंगल डिप्रेशन जो चेंज हुआ उसका 60 से, कितना लिखा है यहां पर, 30 डिग्री लिखा है या 45 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री लिखा है। सो उसको आप सभी लोग 45 डिग्री लिख लें एक बार, क्लियर है। चलिए सो 45 डिग्री हुआ,
इसका मतलब यहां से यहां जाने में 2 मिनट लगे, पहली बात तो लिख लीजिए 2 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर से आपको निकालना है क्या, मैं बताऊं आपको निकालना यह है कि इसकी स्पीड क्या होगी बोट की। देखिए स्पीड कहां से निकल सकती, स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जिस जगह पर टाइम है उसी जगह से स्पीड भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर इस ए से लेके बी तक की जो दूरी है, बी से लेके या फिर ए तक की जो दूरी है, ये अगर डिस्टेंस पता लग जाए, क्योंकि इसी दूरी इसी डिस्टेंस में हमें ये पता है कि बोट ने कितना टाइम लिया है बी से ए जाने में, टाइम लिया है ना यहाँ पर 2 मिनट का, तो यहीं से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको आप मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको मान लीजिए वाई डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्लियर है। अब देखिए 1060 इज इक्वल टू 150 अपॉन वाई हो गया, ये यहां चले गया, सो y अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 150 बाय अंडर रूट 3, तो इससे क्या हो गया y इज इक्वल टू 150 रूट 3 अपॉन 3 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 50 अंडर रूट 3 आ गया, क्लियर है। चलिए सो आप 1045 लगाइए, कोशिश करना हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल में लगाने की, ठीक है। चलिए सो 1045 सबसे पहले मेरा छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। 1045 जितना हो सके आपसे उतना, 1045 इज इक्वल टू देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 150 आ रहा। अब देखिए y कितना है 50 अंडर रूट 3 है, इतने आराम से होगा क्वेश्चन, अभी देखते हैं, बहुत मजे से हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करा रखे, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ लास्ट टाइम पे, अब जो लोग नए आए हैं उनको तो पता नहीं होगा, क्लियर है, जो पुराने हैं उनको पता होगा सर ने हम क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करवा रखे और रिपीट भी हो गए हैं अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तो फाइनली इसको कर लेते हैं हम, ये कितना आएगा देखिए एक्स इज इक्वल टू 50 रहा ऐसी और 3 माइनस अंडर रूट 3, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखिए हमें ये तो डिस्टेंस निकालनी थी, क्योंकि यहाँ इस डिस्टेंस को हमें पता है कितना समय लिया गया है, यही डिस्टेंस को हमें पता है देखिए, जो कि x है, ठीक है। यहाँ पर इस ये कि बी से लेकर ए जब बोर्ड गई, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर गई, तो 2 मिनट का टाइम लिया, और आपको ध्यान सुनना, आपको जो स्पीड निकालनी है वो मीटर पर आवर में निकालनी है, तो इसका आप ध्यान देना, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पता लग गया हमें, ए बी की डिस्टेंस है, मतलब यहाँ ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी समय कितना टाइम लगा बोट को, 2 मिनट लगा। सो टाइम कितना है आपके पास, देखिए 2 मिनट्स का है, आवर्स में चेंज करना तो कठिन बात नहीं आई थिंक, ठीक है। 2 अपॉन 60 कर लीजिए, कितना हो गया 1/30 हो गया, क्लियर है। चलिए सो 1/30 हो गया, टाइम कितना हो गया 1/30 आवर्स हो गया। अब देखिए स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, एक्स अपॉन टाइम कौन सा, ये वाला, तो लगा लीजिए, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, ठीक है। 53 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन टाइम कितना है देखिए 1/30, सो 1 यहां 30 ऊपर, सो 1500 आ गया, स्पीड कितनी आ गई देखिए 1500 3 माइनस अंडर रूट 3। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया इसका आंसर समझो 1902 मीटर पर आवर आएगा, ठीक है। सो 1902 मीटर पर आवर आएगा, रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख लेना, ठीक है, 3 में से ऐसे ऐसे करके 1.732 को पहले माइनस करना, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना 1500 से, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1902 मीटर पर आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलराइट, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कराए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तैयार रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बाकी क्वेश्चंस आपको करवाए रखें, एक बार आप सभी लोग क्लासेस देख ले हमें हमारी, ठीक है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है कैसे होगा, 4x² माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ले लिया एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो कर लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4a² b² कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं देखिए 4a² b² हम पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना विद देयर साइंस, तो प्लस का ही साइन आएगा भी। अब इनको इस तरह ब्रेक करना है कि हमें एक्स का कोफिशियन मिल जाए, जो कि क्या है 2a² b², तो मिल जाएगा आराम से। एक काम करिए 2a² ये और 2b² दिख रहा है इन दोनों में, इनको मल्टीप्लाई करने में यही आएगा, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो लो इस तरीके से मिल गया खत्म। ऑलराइट, सो ऑलरेडी आपको दिए हुए चीजें, इनको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अभी भी, ठीक है, ये स्प्लिटेड है पहले से, इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं आप लगान लग गए अपना दिमाग हो गया खत्म हो गया कहानी पे,
ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए x को अंदर में लाइक ये 2a² x फिर -2b² x। ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी आपको दे रखा है, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन जो मिल जाए तो। सिंपल से क्वेश्चन है, क्लियर है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले उसको देख लीजिए आप लोग, क्लियर है। तो देखिए क्या है कॉमन, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 और x, 2x कॉमन दिख रहा है, अंदर बचा 2x माइनस कितना बचेगा बताइए a, 2x माइनस ए स्क्वायर सॉरी, ठीक है। और माइनस यहाँ के दोनों में बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर, लीजिए खत्म, खत्म हो गया भाई सॉल्यूशन, ठीक है, आ गया आंसर इसका। सो 2x माइनस ए स्क्वायर और 2x माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू एंड एक आ गया बी स्क्वायर बाय टू, इतना सिंपल था, देख लीजिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको x को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है इसके अंदर, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ। ऑल राइट, चलिए तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका, इसको आप कर लेना तैयार, और एक्सपेक्टेड भी है ये क्वेश्चन, और मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऑलराइट, देखिए क्योंकि वॉल्यूम कन्वर्जन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा भी है, 3 मार्क्स का है और CBSE 2016 का भी है। ऑलराइट, सो अगर वॉल्यूम कन्वर्जन में पूछा जा सकता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए सो तैयार कर लीजिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले। देखिए सिंपल तो आपने कर लेना, थोड़े से कठिन कर लीजिए, उतना कठिन नहीं है, मजा आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो पढ़ने में भी मजा आता है स्टूडेंट्स। चलिए, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है इस तरीके से, समझते हैं इसको, क्या क्या गया, इस सिलेंडर कंटेनर में कुछ आइसक्रीम्स भरी है, मतलब आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम्स है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आइसक्रीम है। उस आइसक्रीम से क्या गया हमने, देखिए क्या करे, कुछ यहाँ पर देखिए कुछ कोन्स बनाए इस तरीके से, ये बनाए कोन्स, ठीक है, कोन बनाया था, लेकिन उसका हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। अब ध्यान सुनने, हमने क्या करा, फिलिंग करी, मतलब इस आइसक्रीम से हमने कोन्स फिल करे, और कितने कोन्स फिल करे, 10 करे, क्योंकि 10 चिल्ड्रंस को बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब कोन के पास क्या क्या है, हेमिस्फेरिकल टॉप भी है बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसका रेडियस r है, और उसको मान लीजिए ये है हमारा स्मॉल h है, इसको मान लीजिए यहाँ से आता कि हमारा दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी दे रखा हमें कितना, 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ की आइसक्रीम वहाँ फिल करी 10 कोन्स में, जिसके पास हेमिस्फेरिकल टॉप भी था। सो हुआ क्या एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो हो गया वो कन्वर्स हो गया, मतलब कन्वर्जन हो गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम का, तो जो सिलेंडर में था वो अब कहाँ चले गया, कोन में चले गया, और कितने कोन में, 10 कोन्स में, जितनी भी आइसक्रीम सिलेंडर में थी वो 10 कोन्स में गई, जिसमें क्या क्या था आपके पास, देखिए कोन और हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। तो कुछ नहीं हुआ, आपको करना क्या है, तो वॉल्यूम लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, लेकिन ये भी लिखना विद हेमिस्फेरिकल टॉप्स। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है ना, ध्यान सुनना, हेमिस्फेरिकल टॉप्स, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² एंड वॉल्यूम ऑफ आपका हेमिस्फेयर 2/3 πr³ होता है, इसका आपको पता है, तो बस कुछ नहीं, देखिए यहां क्या कर लीजिए, ये होता आपका पाई, और मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर मान के चलूँ अगर इसको, और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 10 into, ध्यान सुनिए, 10 into वॉल्यूम ऑफ कोन डायरेक्ट लिख दूँ 1/3 πi स्मॉल r² h, और इसके बाद एक चीज़ और लिखता हूँ उसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी तो है, सो 2/3 πr³। अब देखिए एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ उसको, यहाँ देखिए पाई, और इसको r² h ऐसे लिखते हैं, यहां से π/3 बाहर निकाल दूं, 10 π/3 बाहर आ गया। अब देखिए एच की जगह पे अगर मैं 4, हाँ एक चीज और देख रहा है आपको, जो हाइट है कोन की, जो भी हाइट है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, इसके बेस रेडियस के 4 टाइम्स है, सो एच इज इक्वल टू 4r गिवन है, यहां रख लीजिए, और देखिए यहां क्या होगा, तो यहां एच की जगह 4r रखेंगे कितना जाएगा, 4r³, और यहां रखेंगे देखिए 2r³ बचा है, बस π/3 मैंने बाहर ले लिया, तो 2r³ बचा है, कितना बचा है 2r³, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पाई से पाई काट दीजिए, सॉरी
पाई से पाई काट दीजिए आप लोग, इस तरीके से पाई से पाई कट गया और क्या बचा देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर का, मतलब आर कितना आपका 6 × 6 × ये क्या आपका 15 है, ठीक है। और देखिए एज इक्वल टू 10/3 ये क्या हो गया 6r³, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, ठीक है। और बताइए क्या बचा बताइए, यहाँ से देखते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, सो r³ = 27 आ गया, सो r = कितना आ गया 3 मीटर आ गया। सो रेडियस हमें फाइंड करनी थी, ये हमारी निकल गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, इस पर स्टार कर लीजिए और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है आपका सम ऑफ एपी, मतलब एपी से क्वेश्चन है और जिसमें आपको डाउट है वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इनको प्लीज कर लीजिए आप लोग और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको यहाँ पर कभी बोला गया क्वेश्चन है इफ SN द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय SN = 5n² + 3n, सो क्या आपको कन्फ्यूजन होता है किसमें, इसका nth टर्म फाइंड करने में क्या आपको कंफ्यूजन होता है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है, सभी लोग उसको अच्छे से देखना, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। ये है, इसके दो तरीके आपके सामने बताऊंगा, देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर फाइव पहला तरीका करते हैं इसका, क्या ध्यान सुनिए कैसे, अगर इसका nth टर्म फाइंड करना है तो एक तरीका यह है, आपको जब भी nth टर्म फाइंड करना है एक फॉर्मूला आपके पास SN - S(n-1) इससे करिए, ठीक है, अभी करते हैं। देखिए क्या करना होता है इसके अंदर, कुछ नहीं, पहले SN कितना है देखिए, इसको लिखिए यहाँ पर 5n² + 3n, उसके बाद माइनस लगाइए और जहाँ पर n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो यही पूरा आया, देखिए SN-1 कह रहा है, जहाँ पर n था वहाँ पर n-1 कर दीजिए, तो यहाँ पर n था ना SN में, तो यहाँ पर S(n-1) कर दीजिए, सो 5² +, लेकिन इससे और सिंपल तरीका है आप लोगों के लिए अभी वैसे, ठीक है, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखिए 5 ये हो गया a² + b² - 2ab, ये प्लस वन आएगा और ये आ गया प्लस का 3n - 3। अब कुछ ही नहीं करना है आपको, देखिए बहुत आसान है, मैं दो तरीके अभी आपको बताता हूँ इसके क्या है। माइनस एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 5n², ये माइनस भी अंदर ले जा रहा हूँ साथ साथ, 5 × 10 और माइनस माइनस प्लस प्लस 10n और 5 × 5 - 5, ये भी जाएगा माइनस प्लस माइनस 3n और प्लस का 3। देखिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या है ना, कुछ नहीं, अब तो बहुत सिंपल हो गया, 5n² से 5n, 3n से 3n कट गया एंड आपका क्या बच गया यहां से, देखिए 10n - 5 + 3 - 2। अंडरस्टूड फ्रेंड, ये आपको क्लियर है, अंडरस्टैंड, चलिए आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये हमारा इसका पहला तरीका, फर्स्ट मेथड है, इसको मैंने इस तरीके से आपको बताया, आपकी मर्जी, आपको जो an है वो आपको कितना मिल गया 10n - 2 मिल गया, ठीक है। अब यहां से जो भी टर्म पूछा हो आराम से फाइंड कर सकते हैं, 5th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, जो भी हो। इसका सेकेंड मेथड मैं बताऊं आपको, अब आपकी मर्जी है, अगर जो आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स वो आप करिए। सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको, देखिए SN कितना है ये है, तो आप S1 फाइंड करें, सो क्या लिखेंगे 5 + 3 जाएगा आपको पता ही है, सो S1 क्या हो गया 8 हो गया। अब जो S1 है वही आपका A1 ही होता है, ये आपको पता है अच्छे से, क्लियर है। चलिए अभी तक इतने क्वेश्चन करा दिए, अब S2 फाइंड करें + 2, सो देखिए S2 होता है हमारा 2 × 4 = 20 हो गया और ये आ गया 6, सो S2 हो गया 26। अब S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द AP, सो S2 मतलब A1 + A2, A1 आपका 8 आया और ये आ गया 26, सो A2 बराबर कितना आ गया 18 आ गया, A1 आ गया A2 आ गया, तो क्यों ना ये जनरल टर्म फाइंड कर लीजिए, जनरल टर्म ही तो है ये, अगर मुझे जनरल टर्म बनाना है सो A1 कितना है, देखिए AP जो है आपकी 8, 18 और इस तरह से 26 चल रही है, क्लियर है। तो देखिए मतलब आपको AN फाइंड करना है, AN करना है तो A + D, A कितना आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म 8,
डी है आपका 10, 8 प्लस 10n माइनस 10। अब देख लीजिए यहां से भी आपका क्या आ गया, 10n माइनस 2 आ गए। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए सिर्फ दो तरीके हैं, या आपकी मर्जी इससे करिए या फिर इससे करिए। क्लियर है? ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप कि आपको क्लियर होंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, कुछ भी पूछा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एपी से ही करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से भी दिया था, आई थिंक आप लोगों ने किया भी था इसका आंसर। एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको, क्योंकि अच्छा था क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी 4m माइनस 4 स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? देखिए यहां पर इट्स nth टर्म और ये दिया आपको कि इसका nth टर्म कितना है, 107। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना और ये 21 फाइंड करना है, कितना होगा। क्लियर है? चलिए ये हो जाएगा आराम से भी, देखिए कैसे होगा। ये दे रखा आपको, देखिए m और n से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही एपी के कुछ टर्म्स हैं। ऑलराइट, इसको ऐसा कह रखा कि m टर्म का, ये m टर्म्स मान रखा हमने, m टर्म्स का जो सम है वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, m टर्म्स का सम इस तरीके से है। क्लियर है? और वो भी सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स कह रहा है, मतलब कुछ भी कितने भी टर्म्स होंगे तो उस हिसाब से चला है। तो अगर इसका हम फर्स्ट टर्म निकालना चाहें, s1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, और पता है आपको जिसे हम क्या कहते हैं, और ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये तो 3 आ गया। अगर मैं s2 कहूँ ये क्या होता है, a1 प्लस a2 ही होता है, आपको पता होगा। तो 4, ठीक है, 4m है, 4m स्क्वायर है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपका क्वेश्चन में 4m स्क्वायर है, आई थिंक, ठीक है, हाँ। सो 4m स्क्वायर माइनस m है, इसको आप ध्यान देना, 4m स्क्वायर माइनस m है, तो तभी तो अभी तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, हाँ इसको कर लेते हैं। सो 4m स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस, और ये आ गया 2, तो 2 to the 4 16 माइनस 2, ये आ गया 14। सो एस टू का मतलब होता है a1 प्लस a2, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ही है, a1 कितना है 3, a2 निकल जाएगा आपका यहाँ से, a2 इज इक्वल टू 40 माइनस 3 11। क्लियर है? सो a1 तो आ गया 3, a2 कितना आ गया 11, तो इस तरह से 8 का गैप चल रहा, 8 19 आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए सो ये आपकी सीरीज बन गई। आपको निकालना क्या है, देखिए an इज इक्वल टू an निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए a प्लस डी, ये आपका 107 है, इज इक्वल टू विथर 3 है, ये n माइनस 1, डी कितना है 8। ठीक है, तो 107 इज इक्वल टू 3 प्लस 8n माइनस 8 हो गया, और यहाँ से आ गया कितना, 5 14। ठीक है, 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस, सब यहाँ जाएगा तो 112 आ जाएगा, अपॉन 8n आ गया। ठीक है, सो n इज इक्वल टू, ये तो को पता ही है, पढ़ा होगा आपने, टेबल तो आती है। ठीक है, 8 बन जा 8, ठीक है, 8 4 जा 32, सो n की वैल्यू आ गई 14। आप लोग 820 में आराम से निकाल सकते हैं, 820 में इज इक्वल टू a प्लस 20 डी, सो a कितना आपके पास 3 प्लस 20, डी कितना आपके पास 8, ठीक है, 163 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो a तो आपके पास 3, तो हिसाब से कितना आ गया 163। सो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, कौन से वाले जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? ये देखिए बिल्कुल ऐसा है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर अभी x का कोएफिशिएंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4kx, फिर हम करेंगे k का स्क्वायर, फिर हम करेंगे माइनस का k, अब प्लस 2 बाहर से ही है। ठीक है, चलिए सो अब क्या करेंगे, देखिए सेपरेट कर लीजिए आप लोग, x के कोई और टर्म दिख रहे नहीं दिख रहे। ठीक है, सो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4kx ऐसी रहा, और ये k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म की तरह डिनोट करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सो का पता है इसका 0 है, इसके रूट्स, तो d बराबर 0, वेयर a b c में ये क्या आपका c है, ये क्या आपका b है, और ये क्या आपका इसके आगे से 1 जो 1 होता है वो a है। सो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू, b कितना है आपका 4k का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना आपके पास, ए है आपके पास 1 और सी आपके पास के स्क्वायर माइनस के प्लस 2।
क्लियर है, चलिए। सो इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक काम करते हैं, फोर के स्क्वायर हो गया कितना, 16 के स्क्वायर हो गया, इन सारी वैल्यूज को वहां ले जाता हूं, तो 4 और 4 ये रहा और अंदर क्या, एक काम करते हैं, हाँ 4 इस तरीके देखिए, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, 4 4 जा 16, सो ये आ गया 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, के स्क्वायर माइनस के प्लस का। तो ये तो हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, इसमें भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, इसका मतलब क्लियर है। हमने क्या किया, 4 4 16 4 4 16 4 के स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही तो बना लीजिए। तो आ गया 3 के स्क्वायर इस साइड और साथ साथ प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 3 6, ठीक है। सो माइनस करने में 1 आना चाहिए, तो 3 माइनस 2 का फैक्टर बन रहा है, के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k और k प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक मिल गया k की वैल्यू 2/3 और मिल गई k की वैल्यू माइनस 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। वैसे हार्ड है, करने में तो ईजी है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आइए सभी लोग, 2/3। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, k प्लस 1 और यह है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ, ध्यान से, यहाँ पर गलती हो सकती है, वो क्या अभी देखते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके रूट समझना, तो a b c तो पता है आपको, b क्या है माइनस a क्या है, लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आप लिख लेना साइड में, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो पहले से लिख लेना ए बी सी आपको क्या दे रखा है, सी कितना है 1 है, सो डी 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इक्वल टू 0, बी कितना है आपका, ये तो माइनस 2 और k माइनस 1 है, तो दोनों का ही स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए साथ साथ और k माइनस 1 का भी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। माइनस का 4, a कितना आपके पास, देखिए k प्लस 1 और c तो 1 ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, चलिए। और इज इक्वल टू कितना है, ये 0 है। सो देखिए आ गया 4 और यहाँ आ गया आपका k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको वहां ले जाएं क्या, देखिए 4 k प्लस 1, 4 से 4 काट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, सो माइनस 2 के पहले लेता हूँ प्लस 1 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू k प्लस 1 भी कर लेता हूँ, 1 से 1 काट देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 3 के हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना क्या हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस का k इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 3k बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना, k 0 हो सकता है, आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, कहीं k की सिर्फ एक ही वैल्यू ना निकला लिख दें आप, ठीक है, कहीं ऐसा ना आपने इसको वहां रखा और k से k काट दिया और k की वैल्यू 3 कर दी, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जब भी हमारे पास k प्लस 1 जैसा दिखे, ध्यान देना 0 तो आना ही आना है, ठीक है, 0 तो मिलना ही मिलना है k की वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तब 0 प्लस 1 में तो 1 ही हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 थोड़ा हुआ, नहीं हुआ ना, तो चलिए सो इसका ध्यान देना इन छोटी चीज़ों का, ठीक है। तो के ऑफ के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लगता है एक तो k की वैल्यू 0 हो गई, दूसरे बार k की वैल्यू 3 हो गई, दे बोथ आर पॉसिबल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। तो अगर मैं कहूं एक क्वेश्चन लिखूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व, अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं कह रहा हूं कि इससे सॉल्व करके दिखाइए, से आ सकता है आपके में, आया भी है, पूछा गया क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाहर से एक्स है माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको डी की जरूरत पड़ेगी, डी निकाल लीजिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पर इक्वल रू वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ के होता तब पता लग गया था। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको डी निकालना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अभी देखेंगे, इसको पता है आपको। सो बी कितना है यहाँ पर, ये है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना आपके पास पी स्क्वायर और क्यू कितना, ये सी कितना है क्यू स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो यहां से आपको क्या बन गया, सभी ध्यान सुनना, पी स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ बन गया आपका ही क्या, माइनस का फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना बन गया, यहाँ से देखेंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी। अच्छा सी ध्यान सुनना यहाँ पर, गलती मत करना, ठीक है सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर सी आपका क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर है, ठीक है, ये गलती करेंगे तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑलराइट, देखिए ए कितना है ये है, बी कितना है ये है, लेकिन सी कितना है, माइनस का क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस जरूर लेना है आपको, ठीक है, तो इसलिए माइनस माइनस ये प्लस बन गया, इसलिए सोचू गलत क्यू हो रहा है। सो पी स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का प्लस ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहाँ से बना क्या है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या बन गया हमारा डी, क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है? चलिए, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए कर लीजिए, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए कर लीजिए। सो माइनस बी, अच्छा तो x इज इक्वल टू माइनस बी के निकालते हैं, b हमारे पास कितना है, ये है माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट में कौन है, देखिए ये है अंडर रूट के अंदर कौन है, d, जो कि d की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, देखिए ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भी, इसका भी स्क्वायर। तो आपको बताया इससे तो ये कट जाएगा, नीचे कितना है ट्वाइस ऑफ ए, ए कितना है पी स्क्वायर। चलिए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर एंड प्लस का क्यू स्क्वायर, इससे तो ये कट गया, और आपका जो पहला आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखिए टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर, टू से टू कट गया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक्स कर सकते थे आप लोग, तो ये आगे दूसरी चीज क्या आगे, देखिए दूसरी बारे में आपको पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ये लिख दीजिए माइनस, देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ रखेंगे, तो माइनस बी कितना है, माइनस इसमें पी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, आएगा यही, लेकिन मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस है, देखिए फिर यहाँ पर ब्रैकेट होगा, तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर रहेगा, समझे आ सके लोग, ध्यान से देखना है यहाँ पर। चलिए सो ये कितना आ गया, देखिए अपॉन में आपका ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर, इससे तो ये कट गया, यहाँ क्या बच गया, देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या बच गया टू पी स्क्वायर, इससे तो ये कट गया, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। सो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक ये और एक आपका ये वाला। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर टेंथ देख लीजिए, यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फिर से है। एक सर्कस टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सर्कस टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप काफी और क्वेश्चन भी सीख जाएंगे, ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस तो काफी करा दी है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं आपको लेकर आ रखा हूँ, ठीक है, 2017 में आया गया है क्वेश्चन। सो देखिए ये है हमारे पास सर्कल टेंट है, इस शेप में इसमें लिखा है दोनों के कॉमन डायामीटर कितने हैं, 56 मीटर दिख रहा होगा आपको, और जो आपकी यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई, फिर 28 हो गई, और इसमें एक चीज और दे रखा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो आपकी हाइट है वो है 6 मीटर, और टोटल जो टेंट है उसकी हाइट है 27 मीटर। क्लियर है? सो अगर मैं कहूँ कोनिकल पार्ट की जो हाइट होगी वो कितनी जाएगी, 27 माइनस 6 21 मीटर। क्लियर है? इस तरीके से तो आपको अगर निकालनी यहाँ से, सबसे पहले इस पता है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि कितना इसमें कपड़ा यूज होगा, कहते हैं कैनवास जिसे कहते हैं, हाउ मच एरिया यूज टू मेक कैनवास, ठीक है, टू मेक दिस टेंट, ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। सो मतलब आपसे डायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, बताइए टोटल सरफेस एरिया, बताइए टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए आप लोग, आपको पता लग जाएगा। सो ठीक है, सो एरिया निकालना है हमें, एरिया क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे ना, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास करके लिखेंगे। सो सी एस ए ऑफ कोन प्लस
सी एस ए ऑफ सिलेंडर। कोन का तो पाई आर होता है जिससे पता है आपको कि यहां पर अभी जरूरत है हमें किसी चीज की, उसका नाम है एल। ठीक है, सो पाई आर तो आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2h बचने वाला है। अब देखिए इसमें ये 28 है, 21 है, तो जब आप देखिए आपको पता है इसका हम l निकालेंगे तो l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर से एक मिनट होल्ड करना, हाँ तो चलिए देखिए यहां पर आपको क्या निकालना है, l निकालना है। सो l इज इक्वल टू एच, हाइट कितनी है 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है और रेडियस 28 है, इसका स्क्वायर होता है 784। ठीक है, आप लोग निकालना पता लग जाएगा आपको। सो 784 एंड 221 इसको प्लस करेंगे 5, ठीक है 0, ठीक है सॉरी इसका तो क्या कर रहे हैं 441 होगा यहाँ पर, ये 5, ये 2, ये 1, ये 1, सो 1225 आ रहा है। और ये किसका होता है 35 का होता है, अंडर रूट किसका होता है 35 का होता है, तो इजीली आता है आपको, इस तरह से निकाल लीजिए या फिर आप फैक्टर करके निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप निकालना मतलब या तो इससे निकालिए या प्राइम फैक्टर करके निकाल लीजिए 325 करके। ठीक है, इस तरीके से आपको पता 3+3 6 करते हैं फिर 65 जा करके हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एल आ गया, अब देखिए यहाँ रख लीजिए इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, इज इक्वल टू अगर हम एरिया निकालें अब, सो पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 28 और ये कितना आपका एल 35 प्लस 2h, हाइट कितनी है, हाइट किसकी है ध्यान सुनना, हाइट किसकी है वो तो इसी की लेंगे हम। और यहाँ पर कितनी, ठीक है यहाँ पर है, मैंने इसको h मान रखा, ठीक है इसको आप याला h मान के चलिए, मान लीजिए h है इस तरह कैपिटल h, सो 2 इंटू एच, हाइट कितनी है आपकी, हाइट किसकी, इसकी 2 6 12, तो सीधे 12 लिख देते हैं यहाँ पर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 4 28, ये आ गया 88 और 47, सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर 4136 निकाल के ले आइए। तो 88 इंटू 47, 7 8 56 5 7 56 61 4 8 4 8 32 3 32 35, ठीक है तो आ गया 6 3 4 1 3 6, कितना आ गया 4136 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सुनिए क्वेश्चन 11th कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन है, इस तरीके का एक फिगर है आपके दिया होगा और ये 2015 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके शायद केस स्टडी के अंदर ही बन सकते हैं और ये क्वेश्चन के अंदर भी बन सकता है, क्लियर है। इस तरीके का एक आपका क्यूबॉइडल ब्लॉक है इस तरीके का, ठीक है एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है इस तरीके का, यहाँ पर क्या कर रखा है ड्रिल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर ड्रिल कर रखा था, एक सिलेंड्रिकल होल बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है एक और इसको, इसका ये कितना है 7 सेंटीमीटर इसका डाया है, यहाँ से भी वही होगा। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशंस हैं 15, 10 और 5 की है, ये 5 तो इसकी भी हाइट 5 होगी। ठीक है, आपको पता है इसे निकाला गया है, समझ रहे होंगे आप सभी लोग इसको, तो आपको निकालना क्या है, जब इसमें ऐसा किया ड्रिल किया गया सिलेंड्रिकल होल ऑफ डाया 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, तो बताइए फाइंड द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सरफेस तो हॉलो हो चुकी है, ठीक है यहाँ पर ये सरफेस नहीं रही, किसमें से नहीं रही ये सरफेस, हमारे पास क्या था इनिशियली क्यूबॉइड था। सो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालें तो आप खुद लिखेंगे स्टूडेंट क्या, कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे देखिए मैं बताता हूं, आपके पास क्या था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फिर क्या किया इसमें माइनस 2 एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर लीजिए क्योंकि ये हट चुके हैं, उसके बाद जब ये हट गए तो आप क्या कहेंगे, अगर ये हट गए तो क्या उसकी और कोई सरफेस नहीं बची, मैंने आपको क्या कहा था सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है,
वो सरफेस जिसे आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, जिस पे आप कुछ काम भी कर सकते हैं, मतलब पेंट कर सकते हैं वहाँ पर उस सरफेस पर, अगर आपने हॉलो कर दिया तो इसके अंदर की सरफेस है उसे भी तो आप आराम से उसके मतलब उसमें पेंट भी तो कर सकते हैं, इस तरीके से पेंट कर सकते हैं उसकी सीएस से, उसकी जो कवर्ड सर्फेस एरिया है जो भी इसका, उसे आप छू सकते हैं। ठीक है, सो टू इंटू एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस hl, इसका ध्यान देना आपको, माइनस ट्वाइस ऑफ 2πr² प्लस 2πrh। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना, ये तो होता है l इंटू बी, कितना कितना होगा l इंटू बी, कितना 150 प्लस h इंटू l 50, सॉरी b इंटू h, l b b h और h l 75। क्लियर है, माइनस 2 इंटू ये कितना आएगा 22/7। क्लियर है, 2lb प्लस bh प्लस hl, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ही है ना, हाथी क्यूबॉइड दिख ही रहा है। l इंटू बी इंटू एच है, तो l लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और ठीक है हाइट इंटू ठीक है लेंथ। अब आगे हमारे 35 2πr² रेडियस क्या रहेगा हमारा, ये तो 7/2 × 7/2, अब माइनस का फिर से 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी रहेगी 7/2 इंटू हाइट कितनी है आपकी, अगेन हाइट देखिए कितनी है 5, इसका ध्यान देना। ठीक है चलिए, सो ये आ गया आपका, यहाँ से देखिए 200 × 2 कितना होगा, 275 में इंटू 2 कर लीजिए, 2 × 5 = 10 = 1 2 × 7 = 14 1 × 15 = 5 1 2 × 4 = 5, सो ये आ गया 550, तो इतना आ गया। उसके बाद ये कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया आपका, ठीक है, तो 77 ये आ गया। इसमें आप लोग देखिए अब ये कितनी है, 7 वन टाइम्स कट गया, ये 11 टाइम्स 55 और 110 बच गया। सो ये आ गया हमारा कितना, 660 में से 75 माइनस कर लीजिए, इसको उसको प्लस किया हमने, तो ये आ गया 583 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए इतनी आसानी से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसको तैयार कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आपको अलविदा करते हैं। ठीक है चलिए चलिए स्टूडेंट्स, एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है 12th वाला, इसको भी कर लेना, और ये सर्कल से है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी कराया है, सॉरी मतलब होमवर्क से दिया था, इसका एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको क्लास में, और इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, इसको आप देख लीजिए जिनको नहीं आया समझ में। ए बी सी एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब्ड है किसमें, सर्कल में, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है रेडियस 4, ये आपको बी डी बी सी एक टेंजेंट है, देखो बी डी एंड सी डी क्या है आपके सेगमेंट है, जिसकी लेंथ दे रखी है 8 एंड कितनी 6, आपको सिर्फ फाइंड करना है ए बी एंड ए सी। चलिए मैं आपको इसमें कोई चीज़ बताऊंगा, आप खुद लिखना, बी इस ये भी कितनी होगी 4 ही होगी, ये भी कितनी होगी 4 ही होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, क्योंकि देखिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है इसके अंदर, ध्यान सुनना वो क्या, थोड़ा सा पॉइंट लेना, इसको ओ लेना और यहाँ से एक लाइन खींचना इस तरीके से, ठीक है ये, आप डॉट 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 कर सकते थे कोई बात नहीं, चलिए डॉट 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 वाली बना लेना, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा आपने कंस्ट्रक्शन किया इसका। क्लियर है चलिए, सो देखिए ये है हमारा इसका फिगर, ऐसा दिया नहीं था, फिगर पहले कुछ और था, मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसको आप मान लें डी और इसको ई मान सकते हैं, इसको एफ मान सकते हैं, इसकी जरूरत ऐसे है नहीं। आपको इसमें क्या करना, क्या दिया है आपको फाइंड करना है, पहले देख लेते हैं ए बी एंड ए सी आपको निकालना है कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखा है, बताइए कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इसको, ठीक है, 3 स्टार लग चुका है इसमें। सो एरिया कितना दे आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है कितना, 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम मैंने क्या कहा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी से ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 तो ये भी 6, ठीक है, ये 8 तो ये भी 8। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया पता है आपको, जरूरत है इसलिए बता रहा हूं, ये पूरा कितना हो गया आपका 14 हो गया। एक काम करिए, लेट a इज इक्वल टू x ले लेना, और ये भी कितना हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं करना क्या चाह रहा हूं, सभी लोग देखना, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, जो ट्राइंगल बन रहा है ना एबीसी, वो तीन ट्राइंगल से फॉर्म होके बन रहा है, वो यह है देखिए, एक, ठीक है, ये दूसरा और ये लास्ट वन, ये लास्ट कौन सा, तीसरा, दिख गया आपको तीन ट्राइंगल। चलिए, सो ये तीन ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, तो लिख लीजिए इसमें कैसे फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ओ सी से स्टार्ट कर लीजिए, चलिए बी ओ सी प्लस ए ओ सी, फिर ए ओ बी, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर ए ओ बी। चलिए, तो ये तो आपको 84 दे ही रखा है, और ये कितना होता है, ये हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए, देखिए ये ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सो बेस और ये हाइट, सो हाफ इंटू 14 इंटू 2 प्लस, फिर हाफ बी ओ सी के लिए देखिए, ये हो गया बी ओ सी कहाँ है, अच्छा पहले बी ओ सी था, अब है ए ओ सी, सो एक्स प्लस सिक्स, यहां से यहां तक कितना, एक्स प्लस सिक्स, ऐसे ये भी कितना, एक्स प्लस एट, और ये फोर है, ये भी फोर होगा, पता सब फोर ही है, रेडियस है क्योंकि, क्लियर है। तो चलिए, हाफ बेस इंटू हाइट, एक्स प्लस सिक्स इंटू हाइट कितनी है आपके पास, यहां पर इसकी फोर है, प्लस एक्स प्लस एट इंटू ये कितना है आपके पास, फिर से फोर है, ऐसे करके ब्रैकेट में लगाइए, बहुत कंफ्यूजन होगा, टू टू जा फोर, बाहर से है ना, टू टू जा फोर, ब्रैकेट मत लगाना बाहर वाले में, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। सो 84 इज इक्वल टू 7 टू जा, ये तो आ गया 14, ठीक है, और ठीक है 8 प्लस 6 14 इंटू 2 करके, 2 इंटू 2 ठीक हो गया। अब देखिए ये आ गया 2x प्लस 12, और ये आ गया हमारा 2x प्लस 16, यहाँ से कितना है, 4 5 6 1 2 3 4 44 आ गया आई थिंक, और 80 आ गया हिसाब से, ये आ गया 10 आ गया आई थिंक, अच्छा देखते हैं, चलो अच्छे से करेंगे, ठीक है, यहाँ गलती तो नहीं हो रही ना कहीं, हाफ बेस इंटू ये क्यों कर रहा है, यहाँ पर हमेशा गलती हो रही है, ठीक है, तो ये आ गया 28, ठीक है, ये आ गया 8 9 10 40 40 और ये आ गया 56, ठीक है, समझ में आया। देखिए 84 इज इक्वल टू, देखिए ये कितना आया 40 और 16 56 और ये आ गया 4x, तो यहाँ जब हमने इसको भेजा 14 13 टू 11 10 9 8 8 और ये आया 28, हाँ सो 28 आ गया हमारा, तो क्योंकि 4x बराबर कितना आ गया, सीधे 20 लेते हैं, सो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, x की वैल्यू 7 आ गया, आपको निकालना क्या था, ए बी और ए सी, सो ए बी कितना आ गया आप देख लीजिए, x प्लस 8 है, तो 7 प्लस 8 15 और ए सी कितना आ गया आपका 13। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और इनको आप प्लीज़ तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फाइनल आपके क्वेश्चंस हैं, अभी नेक्स्ट क्लास और आएगी आपकी, एक बार आप बता दें कि आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पर आपको डाउट हो, तो वो क्लास भी आपकी जल्दी से हम ले लेंगे। सो प्लीज़ इन ये जो 12 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार जरूर देखना एग्जाम में जाने से पहले, और आपको जो 14 मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा रखे, आपको 3 लेक्चर्स में उन्हें आप जरूर देख लें, मतलब 3 लेक्चर्स ले रखे, 14 3 जा 42 क्वेश्चन हैं, और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी। चलिए अब एंड करेंगे इस क्लास को, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर क्या है ना, आप लोग सोचेंगे कि सर का और हमारा हिस्सा खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, नहीं, टर्म टू के बाद अभी आपके क्लास 11th की मैथमेटिक्स भी तो है, तो वहाँ हम आपसे मिलेंगे, ऑलराइट, सेम चैनल पर आपसे जुड़े रहेंगे। सो सभी लोग एक बार सपोर्ट करना इस मेरे इस चैनल को, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करें अपने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।